नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी। हरियाणा के रेवाड़ी में चाइनीज मांझे की चपेट में आने से एक 26 वर्षीय युवक की दर्दनाक मौत हो गई। शायद यह प्रवीण की मौत नहीं, सिस्टम की मौत कही जा सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की ओर से चाइनीज मांझे की बिक्री व खरीद पर रोक लगाने के बावजूद धड़ल्ले से तीज पर चाइनीज मांझे की बिक्री भी हुई और खरीद भी हुई। कुछ लोगों ने चाइनीज मांझे से पतंग उड़ाकर शायद खुशियां मनाई होगी, लेकिन इसी चाइनीज मांझे की चपेट में आने से एक परिवार के घर में मातम छा गया। एक बूढ़ी माँ का रो रोकर बुरा हाल है। माँ रो रोकर पूछ रही है उसके बेटे को कौन लौटाएगा, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं है। अब आपको दिखाते हैं कि आखिर मौत के बाद शव यात्रा से पहले मौके पर मौजूद गमगीन माहौल में लोगों ने क्या कहा। मेरा नाम नरेंद्र कुमार है। जिस तरह से कहेंगे, दर्दनाक हादसा इस तरह से हुआ है। इतना दर्दनाक हादसा है ये कि सभी को इसका, जैसे अपने परिवार का कोई सदस्य खो दिया हो किसी ने। बहुत अच्छा बच्चा, सबकी मदद करने वाला, गुरु रविदास के गुरु घर से जुड़ा हुआ, इतनी संगत को अच्छी बातें बताना, अच्छे प्रचार करना, सारी बातें बताना और जोड़ना। चाइनीज मांझे पर रोक के बावजूद एक चाइनीज मांझा किसी परिवार की खुशियां छीन लेता, किसको जिम्मेदार? मैं वही बात करना चाह रहा हूँ कि चाइनीज मांझा है, जिसके जैसा भी अभी हमारे पार्षद ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगाया हुआ है, लेकिन उसके बाद भी धड़ल्ले से बिक रहा है। किसी ने मांझा बेचा, किसी ने पैसा कमाया, किसी ने उसका आनंद उठाया, लेकिन एक परिवार का चिराग बुझ गया, एक समाज का इतना होनहार चिराग बुझ गया। उसकी क्षतिपूर्ति तो नहीं हो सकती किसी तरह से भी। तो मैं प्रशासन से यही मांग करता हूँ कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इस परिवार को, जिसकी की मदर बहुत ज़्यादा गरीब और विधवा है, उसकी रुदन सुन के भी सबकी आत्मा कांप रही है कि सुन नहीं पा रहे हम लोग यहाँ खड़े हैं। चाइनीज मांझे पर रोक है, आपने भी बताया कि मर्डर ना माना जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रशासन की भी लापरवाही है। ये प्रशासन की लापरवाही है, क्योंकि बिना प्रशासन के अनुमति का कोई पता नहीं हो सकता कहीं पर भी। अगर प्रशासन बहुत सख्ती से कार्य करे तो यहाँ पर ये चाइनीज मांझा तो दिखने को भी ना है, दिखने की बात तो बहुत दूर की है। तो इसके लिए प्रशासन का भी बहुत बड़ा योगदान है कि ये इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है, उसको भी जिम्मेवार मानते हैं। और हम समाज की तरफ से और सबकी तरफ से मांग करते हैं कि चाइनीज मांझे के लिए सख्त कानून बनाए जाए, जो बेचे वो भी सहायता। और उसके लिए मैं प्रशासन से, पूरे समाज की तरफ से ये आग्रह करता हूँ कि उसके छोटा भाई है, क्योंकि वही एक भरण पोषण करने वाला पूरे परिवार का था, जो कि नागरिक अस्पताल में वो नौकरी करता था, उसके भाई को नौकरी दी जाए और वो आर्थिक सहायता भी दी जाए, ताकि उसके भरण पोषण हो सके और उसके आगे परिवार का जो कार्य चल सके। निर्भय श्री गुरु रविदास जी महाराज की जय। क्या नाम है? मैं राम कुमार रविदास जी, अम्बाला से। आज जो हम इस दुर्घटना में शामिल हुए, ये जो दुर्घटना हुई है ये बहुत ही दुखदाई है समाज के लिए और परिवार के लिए। समाज के लिए, जैसा कि प्रवीण कुमार जी मेरे साथ बहुत सालों से सतगुरु रविदास जी महाराज जी के मिशन के प्रचार प्रसार में अपने रेवाड़ी शहर में भी और रेवाड़ी के अलावा और दूसरी स्टेट में भी मेरे साथ जा जाके वो महाराज जी के प्रचार प्रसार के लिए दिन रात तैयार रहते थे। लेकिन जब ये दुर्घटना हुई, रविवार शाम को मैं भी रेवाड़ी मंदिर के अंदर ही महाराज जी के शब्द कीर्तन कर रहा था। जब पता लगा कि प्रवीण कुमार जी भी महाराज जी के मंदिर में आने के लिए स्कूटी से अपनी गोकुल से, जब झज्जर बाईपास फ्लाईओवर से पार करते हुए एक मांझे की पतंग की डोर, जो कि चाइनीज डोर, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ, उस हादसे का शिकार होते हुए प्रवीण कुमार जी ने आज ये तो ये दुर्घटना हुई। प्रवीण कुमार जी ने अपना जीवन खत्म हो गया उसका इस पतंग की वजह। जिम्मेदार मानते हैं इसको लेकर, क्या मानते? मैं जिम्मेदार प्रशासन को कहूंगा कि प्रशासन के आगे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि ये जो मांझा है, चाइनीज मांझा, जो कि बहुत ही जानलेवा है समाज के बच्चों के लिए,
शहर के बच्चों के लिए, हर किसी के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। आज एक दुर्घटना प्रवीण कुमार जी की नहीं हुई है, ये पूरे समाज की, पूरे देश के लिए एक संदेश भी जाता है कि अगर आज हमारे युवा, हमारे बच्चे ऐसी दुर्घटनाओं के शिकार होंगे तो आने वाला समय हमारे लिए बहुत ही दुखदायी होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज हमारे समाज के लिए, और मैं कई सबके लिए कहना चाहूंगा, और हमारे लिए आज बड़ा दुख और पीड़ा का दिन है। ऐसा भगवान किसी को भी ना दे। आज मेरे समाज का एक होनहार बच्चा, जो हर किसी के लिए जो सरकारी अस्पताल में कार्यरत था और हर किसी के सुख दुख का वो साथी रहता था, जब कोई भी गरीब लोग या कोई भी मेरे वार्ड से या और भी कहीं से जाते थे, वो भाग दौड़ कर काम करने का काम करता था। परंतु आज दुर्भाग्य देखिए कि एक चाइनीज मांझे जिसपे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने बैन लगा रखा है और धड़ाके से रेवाड़ी शहर में बिक रहा था, परंतु प्रशासन ने कोई उस पर ध्यान नहीं दिया। उस एक मांझे के कारण आज उसकी जान चली गई है, और मैं कहना चाहूंगा आपके माध्यम से, अब उसकी जान का, उसकी मदर जो है वो पहले ही विडो है, उसका एक छोटा भाई है। इतने गरीबी से वो अपने जीवन को व्यतीत कर रहे थे। अभी हॉस्पिटल में 2-2.5 साल पहले वो लगा था हॉस्पिटल में, वो अपना गुजारा करना उसका सुख हुआ था। आज उसकी माँ से पूछिए और हमारे से पूछिए, हमारे समाज से पूछिए, आज क्या पीड़ा आज हो रही है। कहीं ना कहीं घर का सारा पूरा छिन गया, किसको जिम्मेदार मानते हैं? मैं इसका जिम्मेदार आपसे के माध्यम से यही पूछना चाहूंगा, सरकार से पूछना चाहूंगा, जब मांझे पे रोज आप देख रहे हैं घटना घट रही है, आज हमारा भाई एक मांझे के कारण हमारे बीच में आज नहीं रहा। और मैं आपके माध्यम से डीसी साहब से और यहाँ के जो मंत्री हैं, सरकार से हाथ जोड़कर समाज की तरफ से अनुरोध करना चाहूंगा कि इसके छोटे भाई को इसकी जगह नौकरी दिलाने का काम करें। मैं ये मांग, और मैं भी कुछ एक दो दिन बाद डीसी साहब से अपने जो समाज के लोग हैं उनके साथ जाके मिलूंगा भी, और यहाँ के मैं मंत्री नेताओं से भी मिलूंगा। मैं आग्रह करूंगा कि इसकी मां को या इसके भाई को इसकी जगह नौकरी देने का काम। अब खबर पर बढ़ते हैं आगे। प्रवीण की मौत के बाद संघी का बासो या फिर झज्जर रोड मातम छाया हुआ है। हर कोई प्रवीण की मौत पर शोक व्यक्त करने पहुंच रहा है, कहीं ना कहीं लोगों के सीने में दर्द भी दिखाई दे रहा है। लेकिन सिस्टम की बेरुखी कहें या फिर रेवाड़ी शहर के नागरिकों का गैर जिम्मेदाराना रवैया, क्योंकि चाइनीज मांझा बेचना जितना अपराध है, खरीदना भी उतना ही बड़ा अपराध है। लेकिन बावजूद इसके ये प्रक्रिया लगातार चल रही है, पहली बार नहीं, बीते साल भी इस तरह की अनेक घटनाएं सामने आई थी। अब आपको बताते हैं आखिर प्रवीण के साथ क्या हुआ। 19 अगस्त को तीज का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। तीज पर जमकर पतंग उड़ाई गई, लेकिन इस दौरान बैन के बावजूद चाइनीज मांझे से धड़ल्ले से पतंग उड़ाई जा रही थी। हर साल एक प्रवीण नहीं, अनेक लोग इस चाइनीज मांझे की चपेट में आकर घायल होते हैं। कई लोगों के घरों में मातम छा जाता है। मूलतः शहर के संगी का बास निवासी, हाल में झज्जर रोड पर रहने वाला प्रवीण आए दिन की तरह तीज के अगले दिन 20 अगस्त की शाम को शहर के झज्जर रोड स्थित अपने घर से संत रविदास मंदिर में पूजा करने के लिए आ रहा था। लेकिन जैसे ही झज्जर फ्लाईओवर पर चढ़ा, चाइनीज मांझा उसके गले में उलझ गया, जिसके चलते उसकी गर्दन कटी, वहीं स्कूटी असंतुलित होकर जा टकराई। इससे प्रवीण को गंभीर चोट लगी। शहर के नागरिक अस्पताल में कार्यरत प्रवीण को पहले निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन गंभीर हालत के चलते उसको जयपुर रेफर कर दिया गया। प्रवीण को बचाया नहीं जा सका। देर शाम प्रवीण ने दम तोड़ दिया। मंगलवार दोपहर करीब 12 बजे पोस्टमार्टम कराने के बाद सब परिजनों को सौंप दिया गया। इस दौरान जहां लोगों ने प्रशासन के खिलाफ रोष व्यक्त किया, वहीं प्रशासन से प्रवीण के परिजनों को एक सरकारी नौकरी व आर्थिक सहायता देने की मांग भी की गई। इतना ही नहीं, चाइनीज मांझे पर भी पूर्णतः रोक लगाने की मांग रखी गई, ताकि प्रवीण की तरह किसी और के परिवार में मातम न छाए। लेकिन जिस तरह से नागरिक अस्पताल में हालात दिखाई दे रहे थे, रो रो कर बुरा हाल था। लेकिन सवाल ये, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? एक माँ से उसका बेटा छीन लिया गया,